बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोकलाम मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मामले पर गुपचुप तरीके से मीटिंग की थी वो गलत था। आप सबको याद होगा कि जब डोकलाम चल रहा था, जब चीन के साथ हिंदुस्तान की सरकार अपने लेवल में इस विषय पर बातचीत कर रही थी कि किस प्रकार शांतिप्रिय तरीके से डोकलाम का पूरा विषय हम समझ सके और उस पर हम एक्ट कर सके, उस समय राहुल गांधी जी चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में जाकर चाइनीज ऑनवॉय के साथ गुपचुप मीटिंग कर रहे थे, गुपचुप बैठक कर रहे थे। और केवल राहुल गांधी ही नहीं, उनके परिवार के बहुत सारे लोग मौजूद थे। दुखद विषय यह है कि जब हम लोगों ने मीडिया की जो सच्चाई थी, मीडिया ने फोटो दिखाया और जब हम लोगों ने यह सवाल पूछा तो राहुल गांधी जी ने इनिशियली कहा कि यह झूठ है, यह सच्चाई नहीं। बाद में जब सारा तथ्य सामने आ गया, पब्लिक में आ गया, उसके पश्चात राहुल गांधी जी ने ये एक्सेप्ट किया कि हां मैं चाइनीज ऑन। आपको बता दें, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस दिखावे की राजनीति करती है। एसपीएन 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।